सैम्पल प्रपोजल्स देखते हैं कुछ सैम्पल प्रपोजल्स को और इससे हमें पता लगेगा कि प्रपोजल्स कैसे लिखे जाते हैं इसमें हम ज़्यादातर वो सैम्पल प्रपोजल्स देखेंगे जो कि आप जब ऑनलाइन कोई काम करने लगे या किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर आपने कोई असाइनमेंट देखी हो और आप उसके लिए प्रपोज करना चाह रहे हो या अपनी सर्विसज ऑफर करना चाह रहे हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं कुछ सैम्पल हमने आपके लिए रखे हैं यहाँ पर और इसको आप देख सकते हैं इन्होने क्रीडेंशल्स और क्लाइंट के लिए आप क्या कर सकते हैं इसको आप चाहे तफसील से बताएं या ब्रीफली बताएं बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्रीडेंशल्स बताएं ताकि आप जस्टिफाई कर सकें कि ये कोई आपको असाइनमेंट क्यों दी जा सके उसके बाद जो स्पेसिफिक फोकस है उस असाइनमेंट का उसके बारे में आपने बताया कि उसके लिए आप किस तरह सूटेबल हो सकते हैं जो ये सेकेंड पैराग्राफ इसमें आप देख सकते हैं फॉर डैश ईयर्स आई वर्क इन डैश एंड यानी कि हो सकता है द फूड इंडस्ट्री या द आई टी इंडस्ट्री अगर आई टी इंडस्ट्री के बारे में असाइनमेंट है और फिर आप ये बता सकते हैं आई एम अकस्टम टू वर्किंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एसेट्रा तो इस तरह से उन्होंने अपना केस बनाया है कि उनकी ओवरऑल काबिलियत क्या है और फिर ये कि वो इस स्पेसिफिक असाइनमेंट uh, से रिलेटेड उनकी काबिलियत क्या है तो दिस इज दीज आर सम थिंग्स दैट आर यूज़फुल अच्छा उसके अलावा ये है एक और ये एक एग्ज़ाम्पल है जो ज़रा सा ब्रीफ़ है उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स uh, भी दिए हैं अपनी एविडेंस ऑफ क्रीडेंशल्स भी दिए सो क्रीडेंशल्स आप बताएं भी लेकिन उसकी एविडेंस भी कोई देनी ज़रूरी है लिंक्स की सूरत में या अटैचमेंट्स की सूरत में प्रेफरेबली लिंक्स ताकि वो एक चीज़ है जो कि सर्टिफाइड uh, है जो कि कहीं पे पोस्ट हुई हुई है सो दैट हैज़ अ लिटल मोर क्रेडिबिलिटी फिर उन्होंने अपने रेट्स बताए हैं कि मैं इतने वर्ड्स और इतने डॉलर्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ और फिर उन्होंने पूछा है कि लेट मी नो यानी अपना उसमें उन्होंने एंड किया है Uh, सामने वाले से एक रिक्वेस्ट करके कि आप हमें बता दीजिए कि अगर आप ये असाइनमेंट कराने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ नीडेड टू सिक्योर दिस बिट थैंक यू फॉर योर कंसिड्रेशन ये गुरु डॉट कॉम के ऊपर उन्होंने ये डाले हुए प्रपोजल्स जो कि विनिंग प्रपोजल्स हैं जिन लोगों को काम मिला है इन प्रपोजल्स के रिस्पॉन्स में सो दीज आर सम सक्सेसफुल प्रपोजल्स और ई फॉर पिचिंग दैट वी हैव शेयर विथ यू उसके अलावा एक और भी ये है हलो के साथ स्टार्ट किया अगेन मतलब फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी की डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं इट्स बेटर टू बी अ लिटिल फॉर्मल लेकिन ये कि इनने हलो से स्टार्ट किया आई वुड लव टू एडिट योर आर्टिकल्स फॉर यू यानी कि शुरू में रेफरेंस दिया है असाइनमेंट का फिर उसके बाद उन्होंने अपने रेट्स बताए हैं स्पेसिफिक सर्विसेज जो आप ऑफर कर रहे हैं वो बताया और फिर एविडेंस ऑफ क्रीडेंशल्स तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है जब आप कोई करें कि अपनी एबिलिटी दिखाएं कॉम्पिटेंस uh, अपनी बताएं उसका प्रूफ बताएं और उस असाइनमेंट के हिसाब से वो आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं और हाउ दे आर रेलिवेंट वो आप अपना इंटरेस्ट बताएं और फिर कुछ उनको ऑफ़र भी करें जैसे इन्होंने कहा है कि आई एम ग्लैड टू आंसर एनी क्वेश्चन यू मे हैव यानी कोई चीज़ अगर कवर होने से रह गई है तो वो आप पूछ लीजिए और हम आपको वो मजीद डिटेल्स दे, दे देंगे थैंक यू फॉर योर टाइम ऑलवेज़ 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 पोलाइट होना हेल्पफुल होता है कई दफ़ा लोग कहते हैं कि हम किस चीज़ के लिए थैंक यू करें लेकिन थैंक यू और प्लीज़ हमेशा करके बात करनी चाहिए इट्स अ गुड रूल फॉर बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड इट्स अ गुड रूल फॉर एनी कम्युनिकेशन एक्चुअली लेकिन स्पेशली बिज़नेस कम्युनिकेशन में क्योंकि लोग आपको जानते नहीं हैं तो वो इन्हीं चीज़ों से आपके बारे में अंदाज़ा लगाएंगे और हो सकता है वो इस पर डिसाइड करें कि उन्हें आपके साथ काम करने के लिए तो प्रपोज़ल्स के भी असाइनमेंट्स बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं ये कुछ फॉरम्स हैं जिनके ऊपर के इस तरह के राइटिंग के असाइनमेंट्स होते हैं बहुत सारे तो इसमें से कोई एक दो हम uh, पॉपुलर है फ्री लांसर अपवर्क गुरु डॉट कॉम के कुछ सैम्पल्स ऑलरेडी हमने आपको दिखाए एच लूम डॉट कॉम तो इस वक्त हम आपको अपवर्क में से कुछ सैम्पल्स दिखाते हैं जो इस तरह के असाइनमेंट्स के हैं तो ये आप देख सकते हैं अपवर्क डॉट कॉम की वेबसाइट है लेट्स प्ले विद दिस दिसटल अगर हम व्यू ऑल कैटेगरीज में जाएंगे तो इसमें सारे जो असाइनमेंट्स डले हुए हैं वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे लेट्स सी विच वंस वी वांट टू एक्सप्लोर क्योंकि हम राइटिंग कर रहे हैं तो हम राइटिंग के नीचे जाते हैं एकेडमिक राइटिंग है ब्लॉग राइटिंग के प्रोजेक्ट्स इसमें कापी राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग एडिटिंग प्रूफ रीडिंग ग्रांट राइटिंग ग्रांट राइटिंग भी एक किस्म की प्रपोजल राइटिंग होती है और उसके अलावा ये टेक्निकल राइटिंग भी है लेट्स सी व्हाट्स अंडर टेक्निकल राइटिंग इसमें हो सकता है कोई हमें प्रपोजल राइटिंग के असाइनमेंट्स नज़र आ जाएँ इसमें राइटिंग के बहुत से असाइनमेंट्स हैं अब हम क्योंकि प्रपोजल्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमने इसमें प्रपोज़ल लिख के और हम सर्च करते हैं और लेट्स सी कि हमारे इंटरेस्ट की इसमें कोई चीज़ निकलती है अगर तो रिसर्च पेपर्स हैं पीएचडी प्रपोज़ल्स लिखने के असाइनमेंट्स हैं बिजनेस प्रपोजल्स हैं ग्रांट राइटिंग है सो so ये बहुत सारे ऑप्शनज हैं और ये बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं जो कि अगर आप अच्छा प्रपोज़ल लिख सकते हैं तो आप इनको टेकअप कर सकते हैं इनके लिए पिच कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा जो बाकी के भी आपको हमने दिखाए आ, वेब लिंक्स उनके ऊपर भी इस तरह की बहुत सी हैं फ्री के ऊपर अपवर्क इज़ दिस और इसके अलावा गुरू डॉट कॉम और फ़ाइबर वगैरह के ऊपर तो आप इंजॉय करें देखें एक्सप्लोर करें कि आपकी मर्ज़ी के आपको असाइनमेंट्स कहाँ पर मिलते हैं